हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों, जिसको लिखा है बशर नवाज साहब ने। यानी कदम बढ़ाओ दोस्तों नज्म के शायर का नाम क्या है? बशर नवाज। तो ये चैप्टर, ये सबक शुरू करने के पहले हम सभी बशर नवाज साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप सभी बेटा कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। बशर नवाज का असल नाम बशारत नवाज खां है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बशर नवाज का असल नाम या पूरा नाम क्या है, तो बशारत नवाज खां। वो औरंगाबाद में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1935 में। कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद में। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज का ताल्लुक 1960 यानी 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। यानी 1960 के बाद जो शायर उभरे हैं उनमें इनका शुमार होता है। इस नस्ल के शुरा जदीदियत से मुतासिर थे। यानी 1960 के बाद, 1960 के बाद जितने भी शुरा उभरे हैं वो जदीदियत से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। उसके बावजूद उन्होंने क्लास की शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि जबान पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उनकी शायरी में, यहाँ पे शायरी होगा, में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज्म गो शायर की हैसियत से भी मारूफ हैं। रायगां, अजनबी समंदर उनके शेरी मजमू हैं। आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, आपसे बशर नवाज साहब के शेरी मजमू के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा तो आप रायगां और अजनबी समंदर के बारे में लिख देंगे। या फिर आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बशर नवाज का असल नाम क्या था या पूरा नाम क्या था, तो बशारत नवाज खां। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बशारत नवाज खां कहाँ पैदा हुए थे और किस शहर में पैदा हुए थे, तो आप लिखेंगे 1935 औरंगाबाद में पैदा हुए थे। चलिए अब हम नज्म शुरू करते हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे और बहुत ध्यान से ये नज्म सुनेंगे और इसका खुलासा, इसकी तशरीह भी मैं करती जाऊंगी, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ रहा हमें वतन का नौ श्रृंगार है, नई नई बहार है। उफक का मतलब होता है बेटा जहाँ पर ज़मीन आसमान एक होते हैं। उफक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक होते हैं, यानी मिलते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए, अब इसकी मैं तशरीह कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो तशरीह में क्या कह रहा है शायर कि इन अशार में शायर ने वतन की फलाह और बहबूद के लिए तरक्की की मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने की यानी जद्दोजहद करने के लिए कहा है। शायर कहता है, क्या कह रहा है कि इस खुले हुए चमन और धुले हुए उफक में हमें कामयाबी और कामरानी के दिए जलाकर वतन का नौ सिंगार करना है, यानी वतन को सजाना है, और इसी नई बहार में वतन की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। शायर कह रहा है, शायर क्या कह रहा है आगे देखिए। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न रहा हमें। सफ़र की इब्तिदा है ये, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न रहा हमें। पहाड़ हो कि गार हो, न लाओ तुम निगाह हमें। रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों।
शायर कहता है कि वतन की तरक्की की ये अभी इब्तिदा है, इसलिए हमें राह में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर ना होते हुए, यानी उनसे ना डरते हुए, बुलंद हौसलों के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। और राह में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे बुलंद खार हो, या किसी भी तरीके की अंधेरापन हो, या कुछ भी हो, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और आगे बढ़ते रहना है और हर चीज़ का हिम्मत के साथ सामना करना है। हमें हिम्मत से उन सब का सामना करते रहना है और अपनी कोशिश को जारी रखना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी हम कामयाब होंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। कहकशां बोलते हैं बच्चों बाग में, कहकशां यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया, एक अल्फाज आया है। कहकशां का मतलब होता है कि सितारों का झुरमुट। कहकशां का मतलब क्या होता है? सितारों का झुरमुट। बहुत से लोग कहकशां नाम रखते हैं, इसका मतलब होता है सितारों का झुरमुट, ठीक है। और रविश बोलते हैं रास्ते को। रविश किसको बोलते हैं? रास्ते को। बाग में अक्सर करके आप बाग में या पार्क में जाते हो तो चलने के लिए छोटी छोटी पगडंडी होती है, तो बाग में जो बना हुआ रास्ता होता है या पगडंडी होता है या जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? रविश बोलते हैं। गुलिस्तान का मतलब आप सबको पता है, गुलिस्तान यानी बाग। आगे चलते हैं। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यारे के, हमें खुद अपने गुलिस्तान पे आज इख्तियार है, हमें खुद अपने गुलिस्तान पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। अब शायर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बेटा आप सभी, कि वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को पुरानी रविश और दकियानूसी तरीकों को छोड़कर नए अज़्म और तरीक़ाकार को अपनाकर बिना किसी तफरीक के कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। यानी कह रहे हैं कि वतन में जो हमारी पूरी पुरानी रविशें थी, जब जो पुराने तरीके थे जीने का, हमें वो सब छोड़ करके हमें कामयाबी की ओर बढ़ना है और नए तरीके को अपनाना है बिना किसी तफरीक के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ कामयाबी के रास्ते पर चलना है। शायर कह रहा है कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इसीलिए बढ़ाते ही चलो और अपनी कोशिशों को जारी रखो, नया अज़्म नई नई बहारें लेकर आता है। और इसीलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने कदम को बढ़ाते चलो और आगे बढ़ते जाओ। अब शायर मज़ीद यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बेटा कि ऐ वतन के लोगों, हम इस बात का अज़्म करेंगे कि हम अपने वतन की खाक को, अपने वतन की मिट्टी को गुलिस्तान बनाएंगे, यानी एक प्यारा सा बाग बनाएंगे, और मुल्क की हर पगडंडी, हर रास्ते को इस वतन के चमन की कहकशां बनाएंगे। कहकशां मैंने क्या बताया था? सितारों का झुरमुट बनाएंगे। शायर कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है ध्यान देंगे बच्चे, ऐ हम वतनों, हम अपने मुल्क के लिए हर कली पर निखार पैदा करेंगे और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाएंगे, ना कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद का। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम सब साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने वतन की कामयाबी को लेके चलते रहेंगे। शायर कह रहा है कि ध्यान देंगे, हम आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, अब हमारे ऊपर किसी की गुलामी नहीं है, कोई अंग्रेज़ हम पर काबिज़ नहीं, अब बिल्कुल हम आज़ाद हैं। और आज़ादी की इस पर बहार फ़ज़ा में हमें इस पुरबहार फ़ज़ा में हमें वतन की तरक्की का काविशों में सरगर्म रहना है और आगे बढ़ते रहना, अपने मुल्क की तरक्की के लिए बे इंतहा मेहनत करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बेटा, आपके एग्ज़ाम में जब आप कोई नज़्म पढ़ते हैं तो उससे रिलेट खुलासा पूछा जाता है या फिर मरकज़ी ख्याल, ठीक है। तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कदम बढ़ाओ दोस्तों का मरकज़ी ख्याल बयान करें, 4 से 5 लाइन का आपको लिखना होगा, पूरे के पूरे 5 नंबर का। या फिर आपसे पूछेंगे कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म का खुलासा करें, खुलासा अभी जो नज़्म हमने पढ़ी इसकी जो मैंने तशरीह करी यही चीज़ आपको बयान कर देना है अपनी ज़बान में, ये खुलासा होगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे।
तो जब मरकजी ख्याल एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, इस नज्म के जरिए शायर, इस नज्म के जरिए शायर यानी बशर नवाज साहब ने हुब्बुल वतनी बेटा उसे बोलते हैं जिसे अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत होती है, जो देशभक्त होता है, जिसके दिल में अपने वतन के लिए बेइंतहा मोहब्बत होती है। इस नज्म के जरिए शायर ने हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का दरस दिया यानी सीख दी है, वतन की तरक्की के लिए अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की है, पुरानी रविश को यानी पुराने रास्ते पुराने तौर तरीके को छोड़कर, तर्क मतलब छोड़ करके नए अज़्म के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की हिदायत दी है, वतन की खाक को गुलिस्तान बनाने और हर तरफ मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है। ये होगा बेटा नज्म का यानी कदम बढ़ाओ दोस्तों नज्म का मरकजी ख्याल, और इस पे पूरे के पूरे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आपको नज्म का खुलासा पता है और मरकजी ख्याल आया और आप लिख ना पाएं, तो बेटा ये भी मुझे लगता है फ्री का नंबर होता है, आप बस खुलासा अच्छे से पढ़ें, तशरीह अच्छे से करें, अपने आप मरकजी ख्याल कर लेंगे। अब आता है खुलासा, तो वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना भी, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ कि इस नज्म में यानी कदम बढ़ाओ दोस्तों में शायर यानी बशर नवाज हमें वतन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए आपस में मिलजुल कर काम करने के और पूरे अज़्म व हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की है। शायर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मजीद कहता है कि वतन की तरक्की और खुशहाली की राह में आने वाली परेशानियों से डरे बिना हमें मुस्तकिल आगे बढ़ते रहना, यानी बिल्कुल भी डरना नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, डटे रहना है उस पर और इन नागवारियों से मुतासिर होकर पीछे नहीं हटना, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है, कदम बढ़ाते रहना है। शायर मजीद कहता है कि हमें पुरानी रविश तौर तरीके दकियानूसी तरीकों को छोड़कर नए अज़्मों और तरीकों का तरीक़ाकार इख्तियार करने हैं और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बिना किसी तफरीक के आगे बढ़ना है। शायर ने आगे वतन की खाक को गुलिस्तान बनाने और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है, यानी हमें नफ़रत को मिटाकर एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग देना है यानी तरक्की देना है। शायर कहता है कि आज हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पुरबहार फ़ज़ा में हमें वतन की तरक्की की काविशों में सरगर्म रहना है। वही चीज़ जो अभी मैंने आप सबको पढ़ाई, वही चीज़ आपको यहाँ पे बयान करना है, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम सभी इसके सवाल जवाब पे। तो सबसे पहला सवाल क्या है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायरी की क्या मुराद है। तो कदम बढ़ाओ दोस्तों का मतलब बेटा सबसे आम फहम जबान में आप लिखेंगे, कदम बढ़ाने का मतलब आपको अपनी तरक्की की ओर बढ़ना है, अपने मुल्क की तरक्की की के लिए आगे बढ़ना है, कैसे, बिना डरे बिना झिझके हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, मिलजुल कर के आगे बढ़ना है और अपने वतन की तरक्की में हाथ बटाना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायरी। शायर का मुराद है कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डर कर पीछे हटने के बजाय पूरे हौसले से उसका सामना करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, जो कि वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 है बेटा, पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब है। पहाड़ और गार, आप सबको पता है पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के बने होते हैं, उसे टकराना आसान नहीं होता, गार होती है, तो निगाह में हमें नहीं लाना है। इसका मतलब कि आपके रास्ते में, आपकी तरक्की में, आपके कोई भी किसी भी काम में, किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी आए तो आप उसे डटकर सामना करेंगे और अपने तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दें, पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब ये है कि हम अपने वतन की फलाह और तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर ना होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहें, चाहे वो रुकावट पहाड़ जैसी बड़ी हो या गार की तरह अंधेरी। गार गुफा को बोलते हैं जो पहाड़ों के अंदर बनी होती है, अंधेरी होती है, ठीक है।
सवाल नंबर 3 है बेटा कि इस नज्म के जरिए शायर ने क्या पैगाम दिया है, या सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि कदम बढ़ाओ दोस्तों नज्म के जरिए शायर ने आपको क्या पैगाम दिया है। तो इस नज्म के जरिए शायर ने हुब्बुल वतनी वतन परस्ती का दरस दिया है और वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविश को तर्क करके नए अज़्म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की और अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने की तलकीन दी है, ताकीद की है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा और अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन किया।